मदर एंड चाइल्ड केयर में आपका स्वागत है। हर कोई प्रेग्नेंट महिला चाहती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन डिलीवरी के समय होने वाले दर्द को लेकर भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं ऐसे 4 टिप्स आपसे शेयर करने वाली हूँ जिससे डिलीवरी के समय होने वाला दर्द है काफ़ी कम हो जाएगा, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रही हूँ आपसे। तो पहली टिप ये है कि जब आपको लेबर पेन आए, क्योंकि लेबर पेन कभी भी कॉन्टिन्यूसली नहीं आता, यानी लगातार नहीं आता, रुक रुक कर पेन आते हैं। शुरू शुरू में 20-30 सेकंड के लिए आएगी, और जब आपका डिलीवरी का समय बिल्कुल पास में आता है तो 40 सेकंड, 50 सेकंड या 1 मिनट तक आते हैं पेन। तो जब भी आपको पेन आए तो आपने मुंह बंद करके लंबी लंबी सांस लें, इससे जो डिलीवरी के समय पेन होता है काफ़ी कम महसूस होता है। मेरे साथ भी सेम यही हुआ था, जब मेरे लेबर पेन आ रहे थे, अपने मुंह से सांस ले रही थी पेन के समय, तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा था कि भगवान इस दर्द को कौन सहन करेगा। लेकिन जब मैं अपने मुंह बंद करके सांस ले रही थी तो मुझे वही पेन, जैसे मेंसेस में थोड़ा पेन होता है, सिर्फ इतना पेन महसूस हो रहा था। तो आप भी ये टिप जरूर फॉलो कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है। सेकंड टिप ये है कि जब लेबर पेन आए तो कभी भी एक ही पोजिशन में ना लेटे रहें, अपनी पोजिशन चेंज करते रहें, कभी राइट करवट लेके लेट जाएं, कभी लेफ्ट करवट करके लेट जाएं, कभी बैठ जाएं, या फिर थोड़ी देर टहल लें, यानी जिस भी पोजीशन में आपको कंफर्टेबल फील हो आप वैसे ही पोजीशन में रहें, इससे भी आपको दर्द सहन करने में काफ़ी मदद मिलती है। थर्ड टिप ये है कि उस समय अपने कोई प्रियजन को अपने पास में रखें, जैसे आपका पति, कोई फैमिली मेम्बर, बहन, मम्मी, किसी को भी, उनसे अच्छी अच्छी बातें करें। तो इससे क्या, माइंड डाइवर्ट होने की वजह से भी हमारा जो लेबर पेन है काफ़ी कम महसूस होता है। या फिर आप उस समय कोई भजन का जाप कर सकते हैं, कोई मंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे भी आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और जब भी पेन आए तो आप अपनी बैक की मसाज जरूर करवाइए, इससे आपको जो लेबर पेन है काफ़ी कम महसूस होता है, आपको लेबर पेन सहन करने में काफ़ी मदद मिलती है। फोर्थ टिप ये है कि जब लेबर पेन आते हैं तो हमारा कुछ खाना खाने का मन नहीं करता, और इस वजह से हमारे पेट में गैस बन जाती है, और गैस बनने की वजह से हमारे पेट में काफ़ी पेन होता है। तो जब भी पेन वगैरह आए तो बीच बीच में लिक्विड जरूर लेती रहें, तो आप लिक्विड में जूस ले सकती हैं, दूध ले सकती हैं, या सिर्फ पानी पी लीजिए, तो इससे भी जो आपकी बॉडी है हाइड्रेटेड रहेगी और आपको पेन है थोड़ा कम महसूस होगा। तो अगर आप ये 4 टिप्स फॉलो करती हैं तो आपकी जो डिलीवरी है थोड़े से दर्द में ही अच्छे से हो जाएगी, आपको लेबर पेन बहुत कम महसूस होगा, और प्रेगनेंसी में भी आप एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, हेल्दी खाना खाइए, तो इससे भी आपको डिलीवरी के समय होने वाले दर्द को सहन करने में काफ़ी मदद मिलती है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।